हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए जो प्रोडक्ट लाई हूँ वो एक स्टंट रेसिंग कार है। ये एक आरसी मॉडल में कार है जो आपको मिल जाती है। इसके जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं इसका बॉक्स मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके का कुछ बॉक्स है जो आपको मिल जाता है। इसे मैंने 3700 में अमेजोन से बाय किया था। इसका बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये साइज में जो है वो काफी बड़ी है, जैसा कि आप बॉक्स से ही देख पा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बड़ी कार है। इसके जो फीचर्स है वो कुछ इस तरीके हैं। यहाँ देखिए, गेस्चर सेंसिंग का फीचर है इसमें और क्रैप डांसिंग भी ये कर सकती है। बाकी ये ट्रेवर्स में भी चल सकती है और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपके लिए काफी नए हैं और काफी हटके हैं ये कार। इसमें यहाँ पे देखिए ड्यूरेबल बैटरी लाइफ है इसकी और ये कार जो है ये 360 डिग्री में रोटेट करने वाली है। ऐसे कई इंटरेस्टिंग फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ इस कार में मिल जाते हैं। यहाँ आप इसको अच्छे से देख लीजिए। मैं एक बार बॉक्स को आपको घुमा के दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ में हमें और क्या क्या आइटम हैं जो इंक्लूड मिले हैं। मैं इसको ओपन करूँ उससे पहले, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से हिट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। आप थम्स अप करके मेरे वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए मैं इसको खोल लेती हूँ। चलिए यहाँ से इसको खोलना है इस तरफ से। ओके, साइज में गाइज ये बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है, बहुत ही बड़ी है और ये इसे आप नेक्स्ट जनरेशन कार भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छे और इंटरेस्टिंग फीचर्स में आपको मिल जाती है। इसके फीचर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही कमाल के हैं। और इसकी स्पीड की बात करें तो भाई बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, इसकी स्पीड बहुत ही तेज है। तो अब मैंने इसे खोल के आपको दिखा दिया। यहाँ देखिए, इसे मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये हमें यहाँ पे मिल गई है। अब इसके साथ क्या आइटम इंक्लूड है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ वन बाय वन के इसके साथ में क्या आइटम इंक्लूडेड है। ये एक तो हमें इस तरह की कार मिल जाती है यहाँ देखिए, दूसरी ये ऐसी कुछ वॉच है जो हमें इसके साथ में मिल गई है। ये भी मैं बताऊंगी आपको कि ये वॉच से आप क्या कर सकते हैं या किस काम आने वाली है। यहाँ पे एक रिमोट कंट्रोल जो बाकी आरसी कार्स में मिलता है, इसमें भी हमें एक रिमोट कंट्रोल इसके साथ में मिल गया है। और देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है इसके साथ में। यहाँ हमें इसके साथ में इस तरीके के ये दो चार्जर मिल गए हैं। देखिए ये जो चार्जर हैं ये इसके साथ में हमें मिल गए हैं। ये दो चार्जर्स जो हैं, एक तो आपकी इस वॉच को चार्ज करने के लिए काम आने वाला है। इस चार्जर की सहायता से ये जो वॉच है आप इसे यहाँ लगा के अच्छे से आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और ये जो वॉच है, इस वॉच के अंदर बैटरी इंक्लूडेड है, इससे आपको बाहर निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी चार्जर की सहायता से आप इस वॉच को चार्ज कर सकते हैं और ये अडेप्टर में लगाने के लिए दिया गया है। जब आप इसे चार्ज में लगाएंगे तो इसमें रेड कलर की LED जलते हुए आपको दिखाई देने वाली है। फिर यहाँ पे एक और दूसरा चार्जर हमें इसके साथ में मिला है जो कि इस कार में, स्टंट कार में जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो इस बैटरी को जो है आपको इसमें से बाहर निकालना पड़ेगा और जब आप इसमें से इसे बाहर निकालेंगे तो इसका चार्जिंग टाइम जो है ऑलमोस्ट 2 आवर्स है। इसकी बैटरी को आपको 2 आवर्स तक के लिए चार्ज करना पड़ेगा। फिर जो इसकी बैटरी है वो उसका प्लेइंग टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स है। 40 मिनट्स तक आप आसानी से खेल सकते हैं। और इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल का डिस्टेंस वो ऑलमोस्ट 100 मीटर्स तक है कि इस रिमोट कंट्रोल या इस वॉच की सहायता से इस कार को आप आसानी से 100 मीटर्स तक कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके का छोटा सा स्क्रू ड्राइवर जो है वो हमें इसके साथ में मिला है। जब भी आप इसकी बैटरी को यहाँ से पीछे से निकालने जाएंगे इस तरफ तो आप इस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से निकाल सकते हैं। मैं हाथ में आपको कार लेके दिखाने वाली हूँ कि ये कार कितनी अच्छी और क्या कलर कॉम्बिनेशन में मिल जाती है। यहाँ पे हमें ब्लू और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में मिल जाती है इस गाड़ी में। इस तरफ देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे LED अंदर की तरफ में लगी हुई है जिसमें लाइटिंग तो होती है, साथ ही साथ इसमें साउंड का भी सिस्टम है। इसमें म्यूजिक भी साथ में ही बजता है, कुछ डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स बजते हैं और रेसिंग की इसके अंदर वॉल्यूम की सेटिंग की गई है। और देखिए ये साइज में कितनी ज्यादा वाइल्ड है। इसके टायर्स देखिए, ये टायर्स जो हैं ये अजाइल व्हील्स जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से
फ्री होते हैं, ये व्हील्स एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होते हैं और अपने आप से सब व्हील्स चलते हैं, सारे व्हील जो हैं ये घूमने वाले हैं। और ये जो कार है, इस कार की खासियत क्या है, इससे आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चला सकते हैं, इससे आप फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, चारों तरफ आप इसको आसानी से चला सकते हैं। और ये जो कार है, ये अपना शेप भी चेंज कर सकती हैं, ये अपने शेप को भी चेंज कर सकती हैं, और बहुत ही ज़्यादा पावर है इसकी बैटरी में, और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलने वाली कार है। स्पीड तो इसकी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, और ये अपने शेप्स जो हैं वो भी चेंज कर सकती है, ये क्रेप डांसिंग भी करती है ये जो कार है। अब इसकी बैटरी जो है, इसकी बैटरी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि इसकी बैटरी जो है वो किस तरीके की है इसकी बैटरी। चलिए यहाँ से हम इसकी बैटरी को फटाफट से निकाल लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर किस तरीके की बैटरी आपको लगी हुई मिलेगी। ये बैटरी इसके साथ में आपको इंक्लूड ही मिलेगी, आपको अलग से परचेज नहीं करनी पड़ेगी। और जो रिमोट में लगने वाली बैटरी है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, और जो इसकी वॉच है उसमें तो ऑलरेडी बैटरी फिक्स्ड है, वो खुलने वाली नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके की बैटरी एक मिल जाती है, जैसे आप यहाँ से आसानी से इस तरीके से खोल सकते हैं। ये देखिए साइज में कितनी ज़्यादा वाइल्ड है, कितनी बड़ी है ये बैटरी। ये बैटरी ऑलमोस्ट 1200 mAh की बैटरी है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस बैटरी को यूज़ करने से पहले आपको ऑलमोस्ट 2 hours तक इसको चार्ज करना पड़ेगा, उसके बिना आप चलाएंगे तो इसका प्लेइंग टाइम अच्छा नहीं दिखाएगा, ये कम ही टाइम में डिस्चार्ज हो जाएगी। और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैटरी है ये, इसे आपको यहाँ पे इस सॉकेट में इसको ऐसे लगाना रहेगा, इसे जब भी आप चार्ज करने जाएंगे तो इस छोटे से चार्जर की सहायता से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसका जो डिस्टेंस है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो 100 meters के आसपास है। अब इसके साथ में हमें क्या मिला है, यहाँ एक और जो चीज़ मिली है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है, ये वॉच जो है वो हमें इसके साथ में मिली है। ये भी कुछ गाड़ी के जैसे ही कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और ब्लू में मिल जाती है आपको यहाँ पे। और ये जो है, इसे आप पहन सकते हैं, पहन के इस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे, मैं बताऊँगी कैसे आपको इसको यूज़ करना है। यहाँ देखिए, यहाँ आप इसको इस तरीके से अंगूठे में फंसा के आपको यहाँ पहनना है, और ये जो आगे का पोर्शन, इसे आप इस तरीके से उंगली में लगा दीजिए। अब जब आपके जो उंगली के और हाथ के इशारे रहेंगे, उसी के कंट्रोल से ये गाड़ी जो है वो चलने वाली है। यहाँ पे देखिए 2 switches दिए गए हैं इस तरीके के कुछ, आपको इन दोनों को एक ही साथ में ऑन करना रहेगा। यहाँ देखिए कुछ LEDs जो है वो ब्लिंक कर रही है। यहाँ पे आपका जो ये वॉच है ये ऑन हो गई। यहाँ पे सेंसर है, जो सेंसर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। अब जो ये कार है, इसकी हम बैटरी को अंदर लगा सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो फटाफट से लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ज़रूर से मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब यहाँ पे मैंने इस बैटरी को इंसर्ट कर दिया है। ओके, अब मैं इसके स्क्रू को वापस लगा देती हूँ। चलिए हमने इसे फिक्स कर दिया है। अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगी कि इसके फीचर्स और फंक्शंस क्या क्या हैं और क्या इसकी स्पीड रहेगी, वो भी मैं इसके साथ में ही आपको इंक्लूड करके वीडियो बना के दिखाने वाली हूँ इसी के साथ में, कि इसके मेनली फीचर्स क्या रहेंगे। इसके साथ में हमें 2 अच्छी बातें ये मिल जाती है कि इस तरीके की वॉच भी मिल जाती है, और अगर आप वॉच से यूज़ नहीं करते हैं तो आपको ये रिमोट भी मिल जाता है। रिमोट की फीचर्स भी मैं साथ ही साथ आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने इस कार को चलिए ऑन कर दिया है। यहाँ देखिए, ऑन करते ही इसमें इस तरीके की रेड और ब्लैक कलर की लाइट्स हैं, LEDs जो हैं वो ब्लिंक कर रही हैं। देखिए चलने लग रही है, LEDs दोनों ही इसमें दोनों तरफ है। यहाँ पे इसका कुछ साउंड का है, जो साउंड का सिस्टम दिया गया है, देखिए यहाँ पे इसमें इसका साउंड का सिस्टम दिया गया है। अब मैं इसे आपको रिमोट की सहायता से कंट्रोल करके दिखाती हूँ। यहाँ सुनिए, यहाँ पे रिमोट में इस तरफ, यहाँ जो स्विच है ये म्यूजिक को ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है। इसकी सहायता से आप म्यूजिक जो है, म्यूजिक को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये लेफ्ट और राइट के लिए दिया गया है। लेफ्ट और राइट के जैसे ही आप पुश करेंगे इस
इस वाले बटन को आप जिस जैसे ही पुल करेंगे लेफ्ट और राइट की तरफ, आपकी ये जो स्टंट कार है, रेसिंग कार जो है, ये लेफ्ट और राइट की तरफ जाने लगेगी। ये ट्रेवर्स में भी चलती है, हॉरिजेंटली आप अगर इसे चलाना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से चला सकते हैं। और वो किस तरीके चलेगी इसका भी डेमो मैं आपको देके दिखाऊंगी, और आप ज़रूर से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है, यहाँ पे इस तरीके की एक रेड कलर की मिडिल में LED दी गई है जो ब्लिंक कर रही है। यहाँ ये इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन में चलाने के लिए एक की दे गई है। देखिए किस तरीके से ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन में चलेगा। और यहाँ देखिए ये एक की जो इस तरफ वाली दी गई है, राइट हैंड साइड वाली, ये राइट हैंड साइड वाली की सहायता से मैं बताऊंगी कि किस तरीके ये कार जो है अपना पोजीशन चेंज करती है। देखिए किस तरीके इसने अपना शेप चेंज कर लिया है। यहाँ देखिए, देख पा रहे हैं आप कितने अच्छे से ये शेप चेंज कर रही है। वाव, वेरी नाइस, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। इसका वेट जो है वो वेट भी इसका काफ़ी ज़्यादा है, कार का बहुत ही भारी है। यहाँ देखिए इसका शेप मैं जो है बार बार आपको चेंज करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये शेप अपने जो है वो चेंज कर रही है, और कितनी फ्लेक्सिबल है ये कार, देखिए कितनी सुंदर है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन कार है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा हटके है, बहुत ही सुंदर है। तो इस रिमोट के जो फीचर्स हैं मैंने आपको दिखा दिए हैं, पीछे भी मैं आपको घुमा के दिखा देती हूँ। यहाँ आपको दो बैटरीज लगानी रहेगी, जो डबल ए बैटरीज होंगी वो आपको इसी कार में मिल जाएगी, वो इंक्लूड रहेगी, आपको खुद से बाय नहीं करनी है। तो बस यही कुछ खास बातें थी इसके अंदर जो मैंने आपको बता दी हैं। इसे आप इस वॉच को पहन के भी, आप हाथ के इशारे से भी इसको चला सकते हैं, और इस रिमोट की सहायता से भी आप इसको आसानी से चला सकते हैं। और ये इसे आप ऑफ रोड चलाएंगे तो बहुत ही अच्छे से चलेगी, कितने भी हर्डल हो, कंकड़ पत्थर हो, ये बहुत ही आसानी से चल सकती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टंट भी करती है। और रिमोट की कंट्रोल की जो है डिस्टेंस कंट्रोल, वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, 100 मीटर्स के आसपास है। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग में मैं आपको यहाँ पे करवा करके दिखा देती हूँ। पहले मैं रिमोट से आपको टेस्टिंग इसकी यहीं करके दिखाती हूँ कि ये कैसे चलने वाली है। ये जो कार है ये अभी हमारी ऑन है, यहाँ देखिए, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से अपना शेप चेंज कर रही है। देखिए यहाँ पे इसमें लगे हुए हैं इस तरीके से, ये अपने शेप चेंज कर रही है। अभी ये म्यूजिक का जो बटन है यहाँ मैं ऑन कर दे रही हूँ। ये देखिए इसमें म्यूजिक जो है वो बजने लग रहा है, कितना जोर का साउंड है वो इसमें आ रहा है। अब इसके व्हील्स को ध्यान से देखिए, कितना अच्छे से चल रहा है। इसकी स्पीड क्या है वो भी देखिए, जैसे इसके व्हील्स चलते हैं, जैसे ही इसके व्हील्स चलते हैं वैसे ही इसमें रेसिंग की आवाज आने लग जाती है। बहुत ही जोर का साउंड रहता है इसमें व्हील्स चलने के साथ साथ, जब ये कार चलने लगती है तो बहुत ही सॉलिड आवाज निकलती है इससे। तो अब देखिए फिर से मैं आपको इसको चला के दिखाती हूँ, इससे आप इसको लेफ्ट और राइट में चला सकते हैं। अब मैं इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड में भी आपको चला के दिखाती हूँ। स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो स्पेस कम होने की वजह यहाँ से ये एकदम ही हट जाती है देखते ही नज़रों से। गाइज ये जो कार है इसका वेट 900 ग्राम्स है, और इसकी लेंथ जो है वो 420 mm, इसकी विड्थ जो है वो 220 mm है, और इसकी जो हाइट है वो 95 mm है। और ये इस तरीके की कुछ पैकेजिंग में आपको मिल गई है। इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये रॉ मटेरियल से और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनी हुई है ये कार पूरी। और कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ब्लू और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आपको मिल गया है। और यहाँ देखिए इस जो ये आपकी वॉच है, इससे मैं अब आपको इसका ट्रायल करके दिखाने वाली हूँ। और अब तक मेरे आप वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से थम्सअप का जो
बटन है उसे पुश कर लीजिए, ज़रूर से उसे क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं जब भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती हूँ तो काफ़ी मेहनत से बनाना पड़ता है और लाइक तो बनता ही है ज़रूर से इन वीडियोज़ पे, तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। अब मैं इसकी टेस्टिंग आपको इस बैटरी के थ्रू करके दिखाती हूँ कि ये बैटरी से किस तरीके से कंट्रोल होता है। यहाँ से मैंने इसका स्विच ऑन कर लिया है। चलिए अब ये जो है गाइज़। यहाँ पे जो ये कार है ये आपको दो साइजेस में मिल जाएगी और दो रेट में मिल जाएगी अलग अलग। अगर आप बड़ी वाली ख़रीदना चाहते हैं तो ये आपको 3700 के आसपास मिलेगी, और इसी में आपको एक छोटी साइज़ में मिल जाती है जो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरीके के पैकेट में। ये साइज़ की जो है वो आपको मिल जाएगी, ये 1500 के आसपास आपको आसानी से मिल जाएगी अगर आप बाय करना चाहते हैं। अगर आप छोटी वाली बड़ी वाली बाय नहीं करना चाहते तो आप छोटी वाली आसानी से बाय कर सकते हैं। ये 1500 की आपको मिलेगी और ये 3700 के आसपास आपको मिलने वाली है। अगर आपको ये कार बाय करनी है तो इस कार की जो बाय लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ये करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।